हेलो गाइस, मैं हूं अमित। भाई हम लोग आपके लिए टाइम टू टाइम नई नई चीज़ें लेकर के आते रहते हैं, और आज भी हमारे पास में एक ऐसी ही बहुत ही कमाल की चीज़ जो कि देख करके आपको लगेगा कि भाई हम 2020 में जी रहे हैं। तो आज हमारे पास में एक 3D पेन, नॉर्मल पेन जो होता है उससे हम लिखते हैं पेपर पे, लेकिन ये जो पेन है ये लिखता है हवा में, ठीक है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये पेन काम करता है। इस बॉक्स के अंदर है, मैंने भी अभी तक नहीं खोला है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक का बटन है वो दबा दो। आज का टारगेट है सिर्फ 3 लाख लाइक्स का, जल्दी से कर दो। दोस्तों अगर बात करें इस 3D पेन के डब्बे की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3D पेन, यहाँ पर एक मोर की फोटो बनी हुई है और यहाँ पर ड्राइंग लिखा हुआ है। तो अब इस बॉक्स को खोलते हैं और आपको साथ ही साथ में बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस तरीके की और वीडियोस देखनी है, अगर आपको नए नए प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग देखनी है, तो उसके लिए हमने एक सेपरेट चैनल बनाया हुआ है जिसका नाम है द इंडियन अनबॉक्सर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। इससे भी और कमाल के प्रोडक्ट्स वहां पर रेगुलरली हम अनबॉक्स करते रहते हैं, जो कि आपको देख करके मजा आने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में फटाफट से सब्सक्राइब कर लो द इंडियन अनबॉक्सर को, आपके भाई का चैनल है। तो अब इस बॉक्स को खोलते हैं। इस पर जो है कोई टेपिंग वेपिंग तो जो है लगी नहीं है, ये सीधा ही जो है खुल जाने वाला है यहाँ से। और यहाँ पर भैया सबसे पहले हमको दिखा टेक्निकल सपोर्ट, कुछ लिखा हुआ है, कुछ हेल्पलाइन नंबर है, मेरा नंबर नहीं है, पता नहीं इसमें आया है। यहाँ पर है एक और डायरी जिसके ऊपर यहाँ लिखा हुआ है ड्राइंग 3D पेन, इधर जो है इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस। लेकिन यार एक बात है कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मटीरियल्स हैं। ये है एक क्लीनिंग क्लोथ, इसके ऊपर भी इनका नाम लिखा हुआ है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है। और यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर है भैया एक इस तरीके की शीट, जिसके ऊपर यहाँ पर एक क्या बोलते हैं इसको, पाइनएप्पल बना हुआ है, ये स्ट्रॉबेरी बना हुआ है और इधर भी कुछ फ्रूट्स बने हुए। अंदर है एक USB केबल और ये है भैया मेन चीज़ जो कि है 3D पेन। आप देख सकते हो कि लाइट ब्लू कलर का, आप बोल सकते हो स्काई ब्लू कलर का है, और ऐसा ही इसका स्टैंड है। तो ये जो है कुछ इस तरीके से लगता है। अब इसको फटाफट से सेट करते हैं और यूज़ करके देखते हैं कि भैया कैसे ये 3D में काम करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको नहीं दिखाई, वो है वायर्स। इस तरीके के 4 अलग अलग कलर्स के वायर्स हैं, ब्लैक है, वाइट है, येलो है और रेड है, जो कि मुझे लगता है इनका यूज़ करके हम 3D में ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब पावर देते हैं इसको। दोस्तों यहाँ पर हमने इस चार्जर के अंदर इस केबल को कनेक्ट कर दिया, जिसका दूसरा एंड लगेगा हमारे 3D पेन के अंदर। यहाँ पर कुछ नोकिया के फ़ोन की तरह, और यहाँ पर एक बटन है ऑन ऑफ का, जिसको जब मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पर एक लाइट जल जाती है रेड कलर की। नीचे जो है एक बटन है यहाँ पर अप डाउन का, आई डोंट नो किस यूज़ के आता है। यहाँ पर एक प्लस माइनस का बटन भी है, कुछ नीचे भी बटन्स हैं। तो अब मेरे हिसाब से थोड़ा सा टाइम लगेगा गर्म होने में, और हम जो है इसमें इसका जो वायर है वो भी डाल सकते हैं। ये जो रेड कलर का फिलामेंट है, आई डोंट नो किस चीज़ से बना हुआ है, और सारे ही इसी मटेरियल से बने हुए हैं। तो हम जो है इसके एक एंड को डाल देते हैं हमारे पेन के ऊपर। यहाँ देखो जगह दी हुई है, तो इसमें मैं इसको डाल रहा हूँ। और भाई यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो फिलामेंट है वो इसमें से बाहर आने लग गया है पिघल के। ये गर्म तो नहीं है, नहीं अरे यार थोड़ा गर्म है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भी नहीं है। तो भाई यहाँ पर मुझे समझ में आया कि क्या करना है। दो इस तरीके की शीट थी, इसको रखना है नीचे, इसको रखना है इसके ऊपर, और यहाँ पर इस पेन से हम जो है इस शेप को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ, और ये इसमें से बाहर आएगा। अरे भाई शुरू हो जाए एक बार। ऑल राइट, तो ये जो है कुछ इस तरीके का बन रहा है, क्या बात है। और आप लोग देखोगे ये किस तरीके की आवाज़ करता है जब ये चलता है ऐसा लग रहा है अंदर इसमें कोई मोटर चल रही है। तो भाई यहां पर मैंने इससे ये पाइनएप्पल ड्रॉ कर दिया है, और अब जो है इसको हटाते हैं, और यहाँ पर भैया ये मेरे हाथ में आ गया है। तो यही था 3D पेन का काम, कि हम जो है
लिख करके उसको हाथ में भी ले सकते हैं। ये 2D स्ट्रक्चर नहीं है, ये 3D स्ट्रक्चर है। हालांकि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन पाइनएप्पल नहीं बना है, लेकिन फिर भी यार अपने आप में कमाल की चीज़ है कि हमने जो है इतनी सिंपल चीज़ों का यूज़ करके इस तरीके का बना दिया है पाइनएप्पल, जो कि देखो आप लोग काफ़ी मजबूत भी है, काफ़ी सॉलिड स्ट्रक्चर भी है। क्या बात है यार, कमाल की चीज़ है। तो अब जो है मैं अपना नाम लिखने की कोशिश करता हूँ ज़रा यहाँ पर, और फिर देखते हैं क्या होता है। हालांकि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोशिश करने में क्या जा रहा है भाई। तो भाई यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख दिया है इस 3D पेन से। लेकिन आप लोग तो कहोगे कि यार ये तो 2D चीज़ें ही हैं भाई। बिल्कुल, ये जो है लेकिन प्लास्टिक की बनी हुई है, बहुत कमाल की चीज़ है। तो अब मैं सोच रहा हूँ 3D ऑब्जेक्ट बनाया जाए, क्यों ना एक क्यूब बनाया जाए जो कि हवा में रखा रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग बना सकते हैं। और भाई यहां पर मैंने क्यूब कर दिया है आप लोगों के सामने रेडी। तो भाई इसको जो है अभी ये जो है पूरा ढंग से टाइट नहीं हुआ, और अब आप लोग देख सकते हो कि भैया हमने बना दी है एक 3D स्ट्रक्चर इस 3D पेन का यूज करके। तो गाइस कितने कमाल की चीज है ना, कि हमने जो है अपने सामने इस तरीके की स्ट्रक्चर बना दी जो कि 3D में रखी हुई है। देखो ये क्यूब है, हालांकि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि भाई मशीन से नहीं बना, मेरे हाथ से बना। हाथ की तो हैंडराइटिंग ऐसी ही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको एक 3D प्रिंटर भी हम बोल सकते हैं, हाथ से लिखने वाला। तो भाई साहब अगर आपको मज़ा आया इस वीडियो में, इस प्रोडक्ट को देखने में, तो नीचे लाइक का बटन जरूर से दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और मस्त मस्त वीडियोज़ के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।